हम कंग्रुएंस मॉडुलो एम की परिभाषा को। तो कंग्रुएंस मॉडुलो एम क्या है, तो यहाँ पर हम लेट ए एंड बी बी एनी टू इंटीजर्स एंड एम बी ए पॉजिटिव इंटीजर्स या हम नेचुरल नंबर भी मान सकते हैं इफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ एम या ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एम देन ए इज सेट टू बी कंग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम इज रिटन एज ए इज कंग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम। तो कहने का अर्थ हो गया कि अगर हम मान लेते हैं कि ए और बी क्या है, दो पूर्णांक हो, ए और बी दो पूर्णांक हो और एम को हम मान लेते हैं यह पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक हम नेचुरल नंबर ले सकते हैं क्योंकि मान के चलिए किसी संख्या में तो जीरो से शून्य से हम डिवाइड तो कर नहीं सकते, भाग दे नहीं सकते हैं। और कह रहा है कि a माइनस बी मतलब उन दो पूर्णांकों का क्या हो, घटो, वह क्या हो कि m का गुणनफल हो, m का मल्टीपल हो, या a माइनस बी जो हो वह क्या हो कि m से डिवाइड हो, m से विभाजित होता हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे कि कंग्रुएंट मॉडुलो m कहेंगे। b और c को हम क्या कहेंगे, कंग्रुएंट मॉडुलो m कहेंगे। यहाँ पर m हो गया आपको मॉडुलस हो गया। तो आइए हम इसके कुछ एग्जांपल को भी जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर है कि 14 इज कंग्रुएंट टू 4 और यहाँ पर मॉडुलो क्या हो गया 5, बिकॉज यहाँ पर देखिए कि 14 माइनस 4 इक्वल टू 10, 10 इज डिविजिबल बाय 5, 5 से क्या होगा डिवाइड होगा ही, डिविजिबल होगा, इसलिए आपको यह क्या हो गया कि 14 इज कंग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 5। कुछ एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर हम 12 ले लिए, 12 लेने के पश्चात इसको 2 कर देते हैं, इसको हम मॉडुलो 5 हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए कि 12 माइनस 2 यहाँ पर आपको 10 हो गया और यह क्या होगा 5 से विभाजित होगा, या 10 को आप कह सकते हैं कि यह क्या है कि 5 का गुणनफल भी है 10, तो यह क्या हो गया कि 12 जो है 12 इज कंग्रुएंट टू 2 मतलब 12 इज कंग्रुएंट टू 2। अब कुछ एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर हम ले लेते हैं 13 और कंग्रुएंट टू यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 और यहाँ पर मॉडुलो 5। यहाँ पर देखिए कि 13 में से 2 को घटाइए 11 हो गया, अब 11 को 5 से क्या कीजिए विभाजित कीजिए तो क्या हो डिवाइड होगा नहीं होगा, और ना ही 5 का क्या होगा मल्टीपल होगा, तो इसलिए हम इसको हम पढ़ेंगे रीड है, इसको हम क्या पढ़ेंगे कि 13 इज नॉट कंग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 5, इसको हम पढ़ेंगे कि 13 इज नॉट कंग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 5। यहाँ पर आप मॉडुलो के रूप में कुछ और भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर 5 फिक्स ही है। यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संपूर्ण क्लास 12th का 11th का और जनरल कंपटीशन के संपूर्ण सॉल्यूशन को जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।